जिला उमरकोट में मुसलसल बारिश से पेश आने वाली सूरत हाल के हवाले से SSP उमरकोट सैयद आमिर अब्बास शाखा उमरकोट तालका कनरी तालका समारो समारो रोड बोदर फार्म के इलाकों का दौरा रेस्क्यू और इमदादी कामों का जायजा लिया, लोगों के मसाइल दरियाफ्त किए और इनके हल के लिए जिला इंतजामिया और म्यूनसिपल कमेटी के अहदेदारान से राब्ते किए। दूसरी जानिब जिला उमरकोट के SDPO और SHOs का पूरी जानफिशानी से रेस्क्यू का अमल जारी है। इस जमन में SDPO पथोरो अब्दुल रजाक बुक्टी और SHO पथोरो इंस्पेक्टर विजय कुमार पुलिस नफरी समेत जेरियाब आने वाले देहातों में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए पहुंच गए। गुलाम सरवर बब्बर और SHO समारो अता मोहम्मद, DSP गुलाम सरवर बब्बर और SHO समारो अता मोहम्मद जबकि SDPO समारो ने समारोह के नवाई इलाके और गांव में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया। अयूब दर्स SHO छोट सब इंस्पेक्टर SDPO उमरकोट उमा नफरी ओल्ड छोर में छोर वा पर शिकाव पड़ने वाले दोनों मकामात पर बरवक्त पहुंच गए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर उमरकोट भी मौजूद थे। उमरकोट पुलिस मकामी लोगों और मुतल्लिका अदारों के अमले की मदद से शिकाव को बंद कर दिया गया। SHO उमरकोट सिटी सब इंस्पेक्टर खलीलुल्ला कुंभार टाउन अमले के हमरा जीरो पॉइंट उमरकोट पर पहुंचे और पानी की निकासी के लिए क्रेन मशीन के जरिए रास्ते खुलवाए गए। नेस SHO शादी पली इंस्पेक्टर इमदाद अली शाह ने 20 से ज्यादा पानी में फंसे हुए खानदान को निकाला और महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया। मुखय्यर हजरात की मदद से तमाम मुंतकिल किए गए मुतासरीन को खाना मुहैया किया गया जबकि मेमन कनरी रोड पर दरख्त गिरने के सबब रोड ब्लॉक हो गया। इत्तला मिलते ही कनरी पुलिस मौके पर पहुंची और गिरे हुए दरख्त को रोड से हटाया गया। दो दिनों से मुसलसल जारी बरसात में पुलिस की रेस्क्यू सरगर्मियों को देखते हुए उमरकोट की अवाम ने तशक्कुर और इत्मीनान का इजहार किया। कैमरा टीम के साथ जान मोहम्मद सुलंगी HNN न्यूज उमरकोट।